ब्रह्मांड के बॉस ने बनाया 99। क्रिस गेल के बावजूद किंग्स इलेवन पंजाब फेल। राजस्थान ने दिया है हल्ला बोल, दरवाजे दिए है खोल, अब इस दरवाजे से घुसने का प्रयास करेंगी कई सारी टीम्स, क्योंकि देयर आर क्वाइट अ फ्यू हु कैन रीच 14, उसके बारे में करेंगे बात। वेल डन राजस्थान KXIP, आई मीन यू नो फंस गए अब आप। आज मुंबई वर्सेज दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कैस्टल एक्टिव प्रेजेंट सुपर ओवर में आपका स्वागत है विद मी ऑफ कोर्स आकाश चोपड़ा। अब जो मैं बात कर रहा, देखिए मुंबई तो क्वालिफाई कर चुकी है पर अभी भी दो टीम्स हैं जो 14 अंकों पे फंसी हुई हैं, वो दोनों टीम्स का नाम है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो कोहली की टीम और अय्यर की टीम, ये दोनों अभी 14 अंकों पे, इनका एक मैच आपस में है तो 16 पे एक टीम तो पहुंचेगी तो एक क्वालिफाई कर जाएगी, पर बाकी जो इतनी सारी टीम है वो सारी की सारी अब 14 तक पहुंच सकती हैं। उसमें किंग्स इलेवन पंजाब भी है, उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स भी, उसमें सनराइज हैदराबाद भी, उसमें राजस्थान रॉयल्स भी है। तो अब ये जो सारी टीम्स जद्दोजहद कर रही हैं ये मतलब 14 तक ही पहुंच सकती हैं, इनमें से 16 तक अब कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पंजाब अगर जीत जाता तो 16 तक जा सकता था पर अब वहां तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। राजस्थान ऑफकोर्स चल रहा है, देखो अभी तो बड़ा ये तो टूर्नामेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, जो है वो इंटेंस प्रीमियर लीग से वो इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग बन गया। इट्स बीन दैट काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट। लेट मी जस्ट शेयर माय मेन्यू, राजस्थान ने किस तरीके से पंजाब को हराया, दैट्स माय पॉइंट नंबर 1। कैस्ट्रो एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर दैट गेम, दैट्स माय पॉइंट नंबर 2। उसके बाद मुंबई और दिल्ली का मुकाबला जो है दुबई में, इट्स एन आफ्टरनून गेम उसकी बात, और फिर कैस्ट्रो एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल एंड द पॉलिटिकल कैपिटल। और उसके बाद हम चलेंगे शाम के मैच में शारजाह का मुकाबला, जहां पर आरसीबी के सामने है सनराइज हैदराबाद, उसकी करेंगे बात, और फिर कैस्ट्रो एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर दैट गेम। वैसे आज का आकाश भी आने वाला है, वो बात में करेंगे, पहले जरा शुरू से बात करते हैं। टॉस जीते फील्डिंग की, और ये फील्डिंग बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि बाद में तो राहुल ने कहा कि यार ये ड्यू बहुत आगे, बहुत हॉरिबल टॉस टू लूज। व्हाइल आई डू अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ हॉरिबल टॉस टू लूज, पर होता क्या कि 14 गेमों की जो लीग रहती है ना, इसमें एक आधा मुकाबला फंस जाएंगे जहाँ पे आपकी टॉस खराब हो जाएगी, जहाँ पे आपका ना प्लान खराब हो जाएगा। तो इस वजह से जो अच्छी टीम्स जो शुरुआत से अंत तक अच्छा खेलती हैं वो पहले क्वालिफाई कर जाती हैं, उनको एक मैच से फर्क नहीं पड़ता, दैट्स पॉइंट नंबर 1। ड्यू इज नॉट फेयर, पर लाइफ इज नॉट फेयर, दैट इज वॉट लाइफ इज। टॉस जब वो जीत के फील्डिंग का फैसला करते हैं, आप बैटिंग करते हो, आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होती, आप पहले ओवर में मनदीप इस प्रकार से आउट हो जाते हैं, बिल्कुल क्या कैच पकड़ते हैं बेन स्टोक्स आगे जाके। उसके बाद गेल साहब आते हैं, गेल साहब को जीवनदान मिलते हैं, पर गेल साहब उसके बाद क्या पिटाई करते हैं, एक्चुअली सॉलिड पिटाई करते हैं। 99 वो कुल बनाते हैं, 20 ओवर में जाके आउट होते हैं, 1001 छक्के उन्होंने जड़ दिए हैं, 14,000 पता नहीं कितने रन बना दिए, 100 टेस्ट मैच वो खेल चुका है खिलाड़ी, मतलब इतना बड़ा लेजेंड ना, आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। 6,000 से ऊपर रन अगर छक्कों से कोई बना दे तो मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत मतलब शर्मिंदगी होती है कि क्या खिलाड़ी है यार, आई मीन ही इज इन अ डिफरेंट लीग। राहुल की इनिंग्स उस समय ठीक लग रही थी, पर इन हाइंडसाइट आप कहेंगे थोड़ा धीमा खेले, क्योंकि 41 बॉल 46 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम नॉट गुड इनफ, थोड़ा और तेज खेल सकते थे। जोफ्रा को नेगोशिएट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जोफ्रा को मैं संभाल लेता हूँ, बट देन इट डिडंट वर्क आउट इन द एंड। मैक्सवेल 6 गेंदे 6 रन, दैट्स अनदर थिंग, वो 6 गेंदों पे 12 हो जाते, 13 हो जाते, 15 हो जाते, यू नो दीज आर द थिंग्स दैट ऐड अप। एक कैच जो निकोलस पूरन का पकड़ा थे वटिया ने पीछे, स्टोक्स की बॉल थी, दैट एक्चुअली टुक अवे अबाउट 5-10 रन फ्रॉम द टोटल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपके फेवर में गई नहीं, आप पहुंचे 180-82 के स्कोर तक। स्कोर खराब तो नहीं था, पर उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई राजस्थान की, तो एक वैसा ही मौका जैसा बिल्कुल कैच था ना बेन स्टोक्स ने जो पकड़ा, वैसे ही बेन स्टोक्स का कैच था जो मैक्सवेल को पकड़ना था, वो कैच छिटक गया, कैच छिटक गया और मैच छिटक गया। क्या बैटिंग की स्टोक्स ने, 26 बॉल 50 बना दिए। रॉबिन उथप्पा ने अच्छे शॉट्स लगाए, सैमसन आए वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, उन्होंने भी 48 बनाए बट डबल क्विक पेस पे रन बनाए। तो एक बात तो स्पष्ट होगी कि जो रिस्ट स्पिनर्स थे वो डाल नहीं पा रहे थे, बॉल गीला हो गया था, और मैक्सवेल तो आपने बोलिंग कराई नहीं, तो इसका मतलब मैक्सवेल इज प्लेइंग एज अ बैट्समैन, बट इज ही रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ बैट्समैन, अ क्वेश्चन दैट यू विल हैव टू आस्क। अभी तो आप फंस गए हैं, लेकिन ये भी है कि मतलब वो विधि का विधान है भैया, आप लगातार मैच नहीं जीतते, 5 मैच जीत चुके हो, 6ठा मैच आप हार गए हो। इवन स्टीवंस अभी भी 14 अंकों तक पहुंच सकते हो, अभी भी आप आगे पहुंच सकते हो, बट देन इट रिमेन्स टू बी सीन कि बाकी रिजल्ट्स कैसे जाते हैं। दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस गेम। राजस्थान वेल डन, मतलब थोड़ा लेट जागे हो पर जाग गए हो, पिछला मैच मुंबई, इस बार पंजाब, यू आर ऑन अ जायंट किलिंग स्प्री सो टू स्पीक, सो वेल डन ठीक है, मोर पावर टू यू यार, मजा आता है ऐसे में। कैस्ट सेलेक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन पंजाब एंड राजस्थान, आई एम गोइंग विद बेन स्टोक्स, मतलब बिग बेन है,
शतक उन्होंने जड़ा पिछले मैच में, इस मैच में कैच बड़ी जबरदस्त थी, दो विकेट्स उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट लिए, निकोलस पुरन और केएल राहुल, चार ओवर ज्यादा महंगे नहीं थे, 32 एक रन के थे, सिर्फ पहले तीन में सिर्फ 19 ही दिए थे, उसके बाद बैटिंग भी आप 26 बॉल 50 रन और जिस अंदाज में ताबड़तोड़ अंदाज में, क्योंकि 180 वाला था टोटल, कई बार फंस जाते हो अगर आप विकेट्स खो जाओ, कोई बल्लेबाज धीमा खेल जाए, दीज थिंग्स डू हैपन, दे कैन हैपन, पर इनके होते हुआ नहीं। ही इज माई कैच सिलेक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन पंजाब एंड राजस्थान। अगर आपने इनको पिक किया था, फेसबुक पेज कैस्ट्रोल एक्टिव, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बट ओनली आफ्टर द एंटायर वीडियो। दुबई की अब चलते हैं, करते हैं बात, जहां पर मुंबई के सामने होने वाले हैं दिल्ली के धुरंधर। अब दिल्ली के धुरंधर हैं, दिलेर हैं, नहीं है, दिल्ली दूरस्त है, दिल्ली दुरुस्त है, दीज आर द क्वेश्चन दैट दे नीड टू आस्क एन आंसर, क्योंकि 9 मैच में 7 जीत यानी कि 14 अंक, यानी कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, एंड देन 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस, 1, 2 and 3, आपके जो मेन प्लेयर जो बाहर थे अब वो वापस आ चुके हैं, पर आप जीत नहीं रहे हैं क्योंकि वो मेन प्लेयर जो रन नहीं बना रहे हैं। देर आर इशूज दैट नीड एड्रेसिंग माई फ्रेंड्स, श्रेयस अय्यर को अब दोबारा रन बनाने होंगे, ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है, पंत को इवेंचुअली रन बनाने होंगे, एक बड़ी 70-80-90 रन वाली पारी अभी आनी है, क्योंकि हर साल आती है, इस साल क्यों नहीं आई अब तक। आई एम एक्चुअली ऑलमोस्ट डिमांडिंग कि अब तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली मेरी अच्छी टीम है यार, मेरे मन दिल के ना बहुत करीब है, आई वॉन्ट देम टू क्वालिफाई, यू ऑल नो इट। एंड एंड शिखर धवन विल फायर, क्योंकि 2 मैच में शतक के बाद रन नहीं बने, बट ही इज टू गुड अ प्लेयर टू कीप फेलिंग, तो वो तो रन बनाएंगे बनाएंगे। उसके बाद पृथ्वी शॉ और रहाणे, टॉसअप इज आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है शॉ खेल जाएंगे, मुझे लगता है वापस शॉ की तरफ चले जाएंगे, और शॉ जो है मुंबई है वैसे कह नहीं सकते, पर देन इट माइट जस्ट बी अ टॉसअप, दैट माइट जस्ट हैपन। बाकी तो टीम में बदलाव की गुंजाइश नहीं, सिर्फ खेलने के नजरिए तरीके की बदलाव की थोड़ी सी गुंजाइश में रखता हूँ। आफ्टरनून गेम है, यू मे वॉन्ट टू बैट फर्स्ट, क्योंकि कई बार पिच थोड़ी धीमी होती है, बट देन इसी पिच पे दोपहर के मैच में चेन्नई ने जीत बाद में बैटिंग करते हुए चेज करते हुए बैंगलोर को हराया, सर कीप दैट इन माइंड, आई कांट हेल्प इट। मुंबई अगर तो रोहित फिट हैं तो खेलेंगे, तिवारी बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो नंबर वन पे जगह दुरुस्त नहीं हुई है, मतलब क्वालिफाइड है, पर नंबर वन 16 अंकों से शायद आप ना पहुंचे 1 or 2 में, तो आप किसी को रेस्ट कराएंगे नहीं, वरना बुमराह को रेस्ट करा तो मतलब कराना हो तो, पर ये करेंगे नहीं, और ये दिल्ली को तो बिल्कुल फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली को आज फेवर कर दिया हो सकता है बाद में जाके यही दिल्ली इनको भारी पड़ जाए, देर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज दिल्ली इज वन ऑफ द बेटर साइड्स इन द टूर्नामेंट दस फार, तो दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन मैन, इट इज गोइंग टू बी अ टफ कॉन्टेस्ट। पिछला मैच यहीं से आपकी हार के सिलसिले शुरू हुए थे, आप मुंबई के खिलाफ हारे थे और उसके बाद आप जीत के रथ पे वापस आ ही नहीं पाए हो, मे बी इट इज टाइम फॉर दिल्ली टू टर्न इट अराउंड। और कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, द फाइनेंशियल कैपिटल, द पॉलिटिकल कैपिटल, आई एम गोइंग विद श्रेयस अय्यर। मुंबई का लड़का पर दिल्ली के लिए खेलता है, और दिल्ली के लिए अब उसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, इट इज अबाउट टाइम, क्योंकि इज अगेन वन सेकेंड टू गुड अ प्लेयर, मुझे तो बहुत पसंद है जिस तरीके से खेलते हैं, कुछ बड़ी पारियां इस साल खेल चुके हैं, क्या अपने जो पूरे रुतबे के हिसाब से खेले हैं, आई वुड नॉट से कि खेले हैं, क्योंकि इनसे मुझे ना मतलब उम्मीद ही ज़्यादा रहती है, और इस साल तो मैंने इनको वैसे भी अपने दिल्ली का स्टैंड आउट परफॉर्मर के रूप में पिक किया था। अभी भी 2 गेम तो लीग के बचे हैं, अगर ये मैच आप जिता देते हैं, आप रन बना देते हैं और टीम को आगे ले जाते हैं, तो maybe there are 2 more games to go, you can reach the finals, there is all possibilities. I'm going with Shreyas Iyer as my casual active match protector for the game between Mumbai and Delhi. Aap kisko pick kar rahe hain please batayega, aur yahan nahi niche link mein hai description mein Facebook page casual active, aap apna vote dal sakte hain, and if you get it right you stand a chance to win yourself a casual active goodie, par abhi nahi pura video dekh ke jao yaar. किसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, देखिए ये एक सवाल बड़ा इमोशनल है, देखिए वो वाला दिन है, ये सैटरडे है जो आपको हो सकता है 2 और क्वालिफाइड टीम ले जाए, और ये हो सकता है वो सैटरडे हो जहाँ पे एक भी आपको फालतू कोई मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफाइड टीम ना मिले, मुंबई पहले भी थी, मुंबई अभी भी हो, और फिर आप ढूंढ रहे हैं अब कौन करेगा क्वालिफाई, और ये भी हो सकता है कि एक मिल जाए, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी अ टफ 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 सैटरडे, आई एम गोइंग विद दिल्ली यार, मतलब ऑड्स आर अगेंस्ट दिल्ली, honestly it is in favor of Mumbai, Mumbai is playing better, team is better, in form, all of that, but I'm still going with Delhi, मुझे लग रहा है Delhi मैच जीत जाएगी, मतलब लग रहा है, वैसे तो मुझे ये भी लग रहा था कि पंजाब मैच जीत जाएगी, जीती नहीं है, but then ठीक है यार, that's what gut feelings are all about, I am going with Delhi. अब चलते हैं शारजा की तरफ, जहाँ पे कोहली की टीम भिड़ने वाली है वार्नर की टीम के साथ, एंड दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट। हैदराबाद पिछला मैच तो बड़े मतलब दुरुस्त एकदम दबंग अंदाज में ये थे, एकदम रफा दफा कर दिया सामने वाली टीम को, सामने वाली टीम दिल्ली थी, और फोड़ दिया भैया, एक वन साइडेड मुकाबला फोड़ दिया, उसमें सहा के रन, वार्नर के रन, खान साहब की गेंदबाजी, मतलब 4 ओवर में 7 ही रन दिए उन्होंने ना, और 2-3 विकेट भी चटका दिए, अनबिलीवेबल प्लेयर है, पर इस समय थोड़ी सी समस्या है,
पहले इनकी बात करते हैं फिर बैंगलोर पे जाएंगे। समस्या ये है कि साहा की इंजरी पे सवाल है, क्या वो अवेलेबल है? नहीं है तो फिर कीपिंग किससे कराओगे? कीपिंग कराने के लिए बेस्टो को लाना पड़ेगा, बेस्टो को लाए तो फिर केन को बाहर भेजना पड़ेगा या फिर बाहर भेजना पड़ेगा आपको जेसन होल्डर को। That's where the problem is. क्योंकि बैलेंस जो है वो सारा बिगड़ जाएगा दोबारा, अभी तो सेट हुआ था। सो आई एम स्लाइटली कंसर्न अबाउट दैट बैलेंस। अगर बैलेंस वो ठीक नहीं होता तो केन को नहीं खिलाएंगे तो फंस जाएंगे, एक बैट्समैन एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन अगर केन को खिलाते हैं तो फिर जेसन होल्डर को ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसा कोई बॉलर बाहर बैठा नहीं है जिसको खिला के आपको कि यार आई एम गोइंग टू डिफेंड अ गुड टोटल और रीजनेबल टोटल ऑन अ पिच एट शारजा द स्मॉलेस्ट ग्राउंड। तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। बैंगलोर की तरफ देखता हूँ तो कहूँगा ये सुरू डनो खिलाओ यार प्लीज़। यू गॉट जोशिफ जोशुआ फिलिपी अच्छा खेल खिलाओ, एबी डिविलियर्स ऑब्वियस है और यहाँ पे बैटिंग कराओ, और उसके बाद इसुरू ओडाना और क्रिस मॉरिस, दैट वुड बी माई साइड। आई विल नॉट गो टू टेल स्टेन। आपने पहले भी गए फिर बाहर बिठाया फिर गए, आई डोंट नो, मतलब ठीक है इट्स ओके आई अंडरस्टैंड, पर आई थिंक अभी इसुरू ओडाना को आपको खिलाना चाहिए। बाकी ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर दिस विल बी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि पिछला मैच आप तो हार के आ रहे हैं। बैंगलोर वॉज फ्लाइंग देन थोड़ा क्रैश लैंड हुए, अब वापस उड़ना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, अगर सुबह अगर नहीं जीतती मुंबई और शाम को अगर नहीं जीतती बैंगलोर, तो फिर इन दोनों टीम्स के बीच में जो मुकाबला होगा दैट विल डिसाइड वन ऑफ द क्वालिफायर्स। जो 16 में पहुंचेगा कर जाएगा क्वालिफाई, जो नहीं पहुंचेगा हो सकता है वो नीचे रह जाए पीछे रह जाए। और कैस्ट्रॉल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन बैंगलोर एंड हैदराबाद, आई एम गोइंग विद एबीडीवी, अद्भुत डिविलियर्स। इस मैदान पर उन्होंने क्या बैटिंग की थी ना एक बार, आए तो क्या छक्के छक्के लगाए थे, मतलब ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो मतलब सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ये आके पिटाई कर देते हैं। टू बी फेयर पिछले मुकाबले में वो नहीं चल पाए थे, वो चेन्नई के साथ जो मैच था ऐसा लग रहा था कि जाएंगे करेंगे वो, लेकिन हुआ नहीं काम। और जब ये चलते हैं तो कहानी कुछ अलग नजर आती है, ये जल्दी आउट हो जाते हैं तो कहानी बदल जाती है। तो कहानी जो बदल रही है उस कहानी को बदलने में अब दोबारा बदलना पड़ेगा। एक्चुअली लास्ट गेम तो इसका मुंबई के साथ है इस टीम का, वहाँ पर भी ए बी थोड़ी देर खेले थे, बहुत छोटी सी पारी थी, पर उससे लंबी पारी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। पर्सनली आई डू फील कि देवदत्त पाड़ीकल अगर अच्छा खेल रहे हैं, जोशुआ फिलिपी आपको अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, तो विराट कोहली और ए बी डिविलियर्स दे नीड टू फायर। आई एम गोइंग विद ए बी डिविलियर्स एज माई कैस्ट्रॉल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर। अगर आप उनको पिक करें, किसी और को पिक करें, देन द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो टू कैस्ट्रॉल एक्टिव फेसबुक पेज, pick your Castrol Active match protector, and if you get it right you stand a chance to win yourself a Castrol Active goodie. जाते जाते अब मैं अपनी prediction कर जाता हूँ। देखिए वैसे तो आपको पता चल जाता है जिसका मैं Castrol Active match protector pick करता हूँ वही टीम मैं जितवाने की प्रयास करता हूँ। सुबह के मैच में मैंने कहा मुंबई, अब शाम के मैच में मैं कह रहा हूँ इट इज गोइंग टू बी बैंगलोर। तो तीन टीम्स, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि ये सैटरडे जो है हमें तीन तीन अपनी क्वालिफाइड टीम्स दे जाएगा। मे द बेस्ट टीम विन, लेट्स सी। वैसे आपके सवालों के जवाब आने वाले हैं, हैशटैग आस्क आकाश इज कमिंग योर वे, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट के साथ साथ नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाना कि द नेक्स्ट वीडियो दैट्स ड्रॉपिंग योर वे इज गोइंग टू बी अबाउट यू, योर क्वेश्चंस माय आंसर्स।